रवि जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये गाना आपसे कैसे बन पड़ा, इसकी सक्सेस का क्या राज है? पांडे जी बहुत टाइम से अच्छे दोस्त हैं, अक्सर हम लोग मिलते भी हैं एंड हमेशा डिस्कस करते थे चलो कुछ अच्छा प्लान करते हैं। तो लकीली क्या हुआ कि रात में 2 या 3 बजे पांडे जी फ़ोन करते हैं एंड एक गाना सुनाते हैं जरा फ़ोन पे, एंड गाने के बोल उस टाइम सुनते ही ऐसा लगा कि गाने में स्पार्क है ना, जो उनका लिरिक्स है बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने रात में डिस्कस किया कि चलो इसे डन करते हैं, विल गो फर्दर। तो बाकी फिर चीज़ें लोग जुड़े टीम से एंड फिर डिसीज़न हुआ कि चलो पांडे, आजकल क्या है कि जितने भी सिंगर हैं वो खुद अपने वीडियोस में आ रहे हैं, तो यही फिर हम लोगों ने डिसीज़न किया कि इनको ही एज ए एक्टर लेते हैं, क्योंकि ये नया ट्रेंड आजकल चल रहा है ना। तो फिर ऑपोजिट में टीम ने डिस्कस किया तो हिना को हमने अप्रोच किया, शी ऑल्सो गॉट रेडी एंड शी केम ऑन बोर्ड। दिस इज़ हाउ थिंग हैपेंड एंड अभी अच्छा लगता है कि लोग हमारा गाना सुन रहे हैं, वीडियो भी लोग पसंद कर रहे हैं एंड तारीफ़ें भी आ रही हैं, जितने भी दोस्त लोस्त हैं सब हैप्पी हैं, हम लोग का काम बाहर हम लोग भी खुश हैं। दरअसल होता ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, चाहे वो फिल्म हो या चाहे म्यूजिक वीडियो, हर सक्सेस के पीछे एक राइटर का हाथ होता है। तो आइए हम मिलते हैं इस म्यूजिक वीडियो के राइटर से कि क्या कहते हैं, कैसे उन्होंने बनाया ये गाना। जी अरुण जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एज ए एंकर आपने एक राइटर को अच्छी अहमियत दी, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो एक राइटर को बड़ा थोड़ा वो रखा जाता है, और आपके एंकरिंग में ये सुनने को मिला कि राइटर पन्ने के पीछे का मतलब एक अच्छा प्लॉट होता है, जहाँ से शुरुआत होती है अच्छी होती है, तो उसके लिए शुक्रिया। और रही बात ये गाने दूर मत जाना की, तो आज जैसे आज मेलोडी का क्रेज चल रहा है उस हिसाब से, तो ये हमारे दोस्त हैं नितेश, बहुत क्लोज दोस्त हैं और दिल से जीते हैं, बड़ा अच्छा इनको पोइट्री की समझ भी है, अगर कुछ लाइनें लिखी जाएँ तो उनको बहुत ही अच्छी समझ है, आप पोइट्री को देखेंगे बहुत अच्छी। और ये डायरेक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे शॉट लेते हैं, बहुत अच्छा थॉट है, कहते हैं जब अच्छे थॉट मिलते हैं तो एक अच्छी चीज़ बन के निकलती है। तो जब हम तीनों मिले, मिलने के बाद हम लोगों ने एक प्लान किया, वो प्लान ये था कि चलो यार एक म्यूजिक एल्बम कोई अच्छा सा बनाते हैं, मेलोडी सा, क्योंकि यूथ है, यूथ पसंद करेगी मेलोडी। पहले का ज़माना था कंपनी रहे ये रहे, बहुत पब्लिसिटी हो ऐसा हो तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, लेकिन आज जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इसमें पब्लिक के पास जब पहुँचता है गाना और गाने में दम हो, गाना अच्छा हो, दिल को टच करें, तो उसके व्यूअर बढ़ते हैं, लोग देखते हैं, तारीफ भी होती है। अभी जैसे दूर मत जाना अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से कोई होगा जो मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, कहाँ मेलोडी गाना डाल दिया, उसने डिसलाइक किया होगा, 1-2-3 होंगे, बाकी सब ने लाइक किया है, बिकॉज आपकी मेलोडी का एक क्रेज चल रहा है। तो दूर मत जाना, जब हमने राइटिंग करी तो एक एक पॉइंट को ध्यान दिया, मतलब आप देखेंगे अंतरा मुखड़ा जितना भी है सारा कुछ बड़े प्रॉपर तरीके से लिखा उस गाने को। लिखने के बाद आके मैं नितेश जी को सुनाया और रवि जी को सुनाया, और सुनाते ही जब तीनों ने डिस्कस किया तो ऐसा लगा कि हाँ यार ये गाना बहुत अच्छा है। अब बात रही कंपोजिशन की, गाना तो बन गया, लिख गया और गाना अच्छा भी लगा है, जब पोएट्री सुनाया तो कि जिंदगी भर जिंदगी से दूर मत जाना, तेरी खातिर जी रहा हूँ भूल मत जाना, उक लाइन इज ए वेरी गुड। तो ये हुआ कि अब कंपोजिशन किया जाए। तो ये नितेश जी हैं, ये मतलब इनको काफ़ी समझ है म्यूजिक की, बहुत ही ज़्यादा समझ है, ये काफ़ी लोगों को सिखाते भी हैं, मतलब उनको इनको कम से कम 30 से 40 राग आते होंगे, हारमोनियम के तो एकदम वो है, अगर दे दो तो इतना बढ़िया बजाते हैं कि क्या बताएं, बहुत अच्छा है। तो जब हम इनसे मिले, हम दोनों मिले, तो जैसे एक राइटर जब राइटिंग करता है सर, तो एक कोई ना कोई ट्यून बनाता है, उसके माइंड में चलता है, तो वो तो बना ही था, एक मीटर पे लिखा ही हुआ था। फिर हम दोनों मिले, मिलने के बाद में फिर ये हुआ कि चलो कंपोजिशन करते हैं, और कंपोजिशन करते टाइम हमने कहा कि रवि जी को भी बुला लेते हैं साथ में, बिकॉज अब कि रवि जी का बहुत अच्छा सेंस है कि आज के यूथ में चल क्या रहा है, तो वो पसंद करते हैं कि हाँ ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। फिर हम दोनों मिलके बनाना शुरू किए, और जैसे ही एक पॉइंट आया तो रवि जी के माइंड में मतलब लगा कि हाँ यार ये करते हैं, दिस इज ए फैंटेस्टिक, बहुत अच्छी कंपोजिशन है, इस पे करते हैं। फिर हम लोग उस पे काम किए और आज रिजल्ट आपके सामने है, इतना खूबसूरत गाना है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो लाइक है। इस गाने का म्यूजिक बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इसमें मेरा साथ जो है मेरे पास ही बैठे हुए हैं सलीम जी,
हम दोनों म्यूजिक करते हैं नितेश एम सलीम के नाम पे, और मेरा ये मानना है कि हर जो लाइन होती है वो अपने आप में खुद एक कंपोजिशन होती है, कि अपने आप जब आप उसको पढ़ोगे तो उसकी जो लाइनें अपने आप कुछ ना कुछ बताएंगे कि आप इसको ऐसे कंपोज, आप इसको इस तरह के राग में ढाल सकते हो। काफ़ी दिनों से हम इस गाने को लेके कोशिश में लगे हुए थे और बड़ी मेहनत से फिर हमने ये गाने को बनाया है, और आप गाना सुनेंगे इसमें जो है अच्छे अच्छे दिग्गज आर्टिस्टों ने अपने अपने काम, अपने अपने किरदार को निभाया है। फ्लूट, आप गाने में फ्लूट को सुनेंगे, गाने में आप लाइव गिटार को सुन पाएंगे, और बहुत अच्छे से हमने उसमें थोड़ा बोलो यार बहुत अच्छे से हमने उसमें थोड़ा बोला हीना का भी सपोर्ट हीना जी, रवि जी हीना जी के बारे में कुछ बताइए, बहुत ही खूबसूरत लग रही है वो इस गाने में। हीना एक्चुअली बहुत खूबसूरत है, नो डाउट इन दैट, एंड लकीली वो यहाँ होनी भी चाहिए थी, वो उनका अचानक शूट आ गया तो वो आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, एंड हम लोग के बीच में कुछ फ्रेंड हैं कॉमन जो कि सेम अपनी फील्ड से ही हैं, तो किसी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है प्रिया, है ना, उसके पहले मैंने प्रिया को कॉल किया था फॉर दिस, बट प्रिया का कुछ शेड्यूल ऐसा था कि वो नहीं कर पाई, तो उन्होंने उनकी बेस्ट फ्रेंड हीना को सजेस्ट किया। फिर जब हम सब मिले हीना से और अपना सॉन्ग सुनाया उसको, उनको बहुत पसंद आया, बिकॉज जेन्युइनली गाना बहुत अच्छा है। उसके बोल है कि जिंदगी भर जिंदगी से दूर मत जाना, तेरी खातिर जी रहा हूँ भूल मत जाना, और भी कुछ, तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। देन बेसिक अपना सेटअप करने के बाद एंड वी स्टार्ट शूटिंग, अपना जो भी शेड्यूल था वो हुआ, एंड अच्छा इनपुट रहा, अच्छी छोटी अपनी टीम थी, सब ने अपने लिमिट से ज़्यादा सपोर्ट किया, चाहे ऑन कैमरा बिहाइंड कैमरा, है ना, तो आज गाना अपना बाहर है, चल भी रहा है, लोग सुन रहे हैं, खुश खुश हैं सब। दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही है बेसिकली, है ना, एंड एक हल्का सा स्टोरी, केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है। ये लग नहीं रहा है कि पांडे जी पहले बार जो है एक वीडियो में है, पहली बार तो है ही नो डाउट, बट जो उनका स्क्रीन प्रेजेंस था वो थोड़ा सा ग्रेसफुल लग रहा है। हम लोग ने पूरी कोशिश की कि अपना जो काम है वो एक ग्रेसफुल तरीके से हम लोग केटर करें, तो उसमें इनका भी सपोर्ट, वर्कशॉप वगैरह काफ़ी कुछ किया, हीना का भी बहुत सपोर्ट रहा, तो एक टीम वर्क, छोटा सा टीम अपना जो भी था करके हमने एक अच्छा वीडियो अचीव किया, एंड आज सब लोग खुश हैं। right. हीना भी बहुत खुश है, उसके फैमिली वाले बहुत हैप्पी हैं, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत हैप्पी है। सबसे खुशी वाली बात यह है कि जितने भी लोग गाना देख रहे हैं, चाहे फ्रेंड उनके थ्रू, फैमिली वाले, है ना, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा रिच कोशिश की थी हम लोगों ने बनाने की, तो ये है, सब हैप्पी है। और इस गाने में सबका सपोर्ट बहुत मिला है हमें, इसी वजह से गाना आप सबके सामने आ पाया है। मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे कि पंकज सेठ जी हैं और जगवार, जिन्होंने हमें गाड़ी वो करवाई, और उसके बाद भद्रे श्रॉफ जी हैं जिनका, जहाँ पे हम, जिस लोकेशन पे हमने गाना शूट किया हुआ है, तो सबका बहुत साथ मिला है और वो साथ की वजह से ही गाना आप सबके सामने है। अच्छा, जैसे कि गाने का ग्रैंडर बहुत बड़ा है, मतलब कैनवास बड़ा है, रिच लग रहा है गाना, ऐसा लगता है काफी खर्चा किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूँ इसके प्रोड्यूसर कौन, इसके प्रोड्यूसर के बारे में कुछ बताइए। इसके प्रोड्यूसर जी हैं अक्षय भाटी जी, उनका नाम है, दिल्ली से हैं वो, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनको ये गाना सुनाया और कहा कि ये गाना आप बताइए इसको कैसे हम करना चाहते हैं, अगर आप हमें थोड़ा मिले हमारे साथ सपोर्ट करें तो हम इस गाने को फिर आगे बढ़ेंगे। किया भी सपोर्ट, और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें, बहुत अच्छे से उन्होंने कहा आप गाना बहुत अच्छा है, गाना लिखा बहुत अच्छा है, तो आप इसको आप जैसा चाहो कर सकते हो, और फिर हमने किया। बेसिकली स्टार्ट टू एंड जो जो बोला चाहिए, लकीली वो चीजें हो भी गई इजीली, स्टार्ट टू एंड तक खड़े रहे, एंड आज जो है चीजें अपनी काफी सपोर्ट, बहुत सपोर्ट है। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम पार्ट होते हैं और इस गाने को पसंद भी किया जा रहा है, तो उनके लिए क्या संदेश है? संदेश ये है कि मेहनत से एक अच्छा गाना मिला हम लोगों को, किस्मत से, एंड जिस हिसाब का ऑडियो है उस हिसाब का हम लोगों ने कोशिश की वीडियो भी बने, एंड इट्स सोलफुल म्यूजिक,
बेसिकली एंड और हर आदमी क्या है ना उसे रिलेट कर रहा है बिकॉज जे हिसाब का गाने का मूड है, गाना जो है एक कहानी बोल रहा है कि जिंदगी भर जिंदगी से दूर मत जाना, तो काफ़ी लोग क्या इस बहुतों के साथ हो चुका है लाइफ में ऐसा। तो दर्शकों से मुझे ये कहना है कि ये गाना मैंने आप सबके लिए बनाया है, और मैं चाहूँगा कि आप सबका प्यार मुझे मिले ताकि मैं आगे भी और काम करता रहूँ और आप सबके सामने कुछ और अच्छे गीत जो बनाए हैं वो आप सबके सामने मैं लेके आ सकूँ। और बस यही है कि जिंदगी भर जिंदगी से दूर मत जाना, आप सबका प्यार मिलता रहे फिर ये जीवन हमेशा साथ में चलता रहेगा और हम नए नए गीत आप सबके सामने लेके आते रहेंगे। खैर ये तो पहली कोशिश है हम लोगों की, अभी काफ़ी गाने इसी कंपनी के लिए, बिकॉज कोई कंपनी अगर एग्जिस्ट होती है वाइट वेव्स तो क्या ना एग्जिस्ट में लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो पहला था, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आगे आने वाले प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, कोशिश लगी रहेगी कि अब ऑडियो वाइज वीडियो वाइज हम लोग कोशिश करेंगे, ऊपर ही जाने वाला है स्केल, यही कोशिश है। तो ये पसंद आया, आगे भी पसंद आएगा आपको उम्मीद करते हैं। नितेश जी आपकी आवाज में गाना बजाए थोड़ी देर। तुम मिले तो लगा आज पहली दफा, मुख्तसर सांसों की जिंदगी है बड़ी, इश्क बरसा है बरसों में कुछ इस तरह, दिल की शाखों को पूरी नमी है मिली, अब हूँ मैं तेरा तू किनारा मेरा, रोक दे तू जिधर मैं उधर ही रुकूं, जिंदगी भर जिंदगी से दूर मत जाना, तेरी खातिर जी रहा हूं भूल मत जाना। आप सबका सपोर्ट मिले और जितना प्यार आप सबको मिलेगा मैं आगे आप सबके लिए उतना काम करता जाऊंगा। थैंक यू।